क्या आपको कब्ज की तकलीफ रहती है तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए। प्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। इसमें एक बहुत ही कारगर मुद्रा जो योगिक मुद्रा है वो काम करती है। उसे करना बहुत आसान है, केवल आपको 5 उंगलियों को यूज एक सर्टन वे में करना है। देखिए, सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए, ये 5 उंगलियां आपकी हैं पंचभूत, या हम इसे बोलते हैं पंच तत्व। अब ये 5 तत्व, आप इन 5 तत्वों से आप बने हैं और इन 5 तत्वों को आपको कंट्रोल में, बैलेंस में रखना है। अगर आपको वात वृत्ति है या आप वात दोष के पर्सन हैं, तो स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, आपकी जो पहली उंगली है, पहली उंगली जिसे हम बोलते हैं तर्जनी, उस तर्जनी को आप एकदम बेस ऑफ द थंब, यानी आपके बिल्कुल अंगूठे के बेस पर रखेंगे और इस तरह से एक आकार बनेगा। आपकी बाकी की तीनों उंगली, आपकी मध्यमा, आपकी अनामिका और आपकी कनिष्का, पूरी तीनों इस तरह से खुली रहेगी और आपकी केवल टिप ऑफ फर्स्ट फिंगर लगाएंगे। इस तरह से बनता है आपकी पहली वात मुद्रा। पर उसको आप ना केवल उसको वैसे रखेंगे, आप अपने फिंगर को, अपने थंब को इस तरह से मोड़ लेंगे। अब ये बन गई आपकी वात नाशक मुद्रा, या इसे हम बोलते हैं वात मुद्रा, या इसे वायु मुद्रा भी कहते हैं। इसको आप हमेशा रोज कम से कम 5 से 10 मिनट कीजिए। आप ट्रेन में, बस में, आप ट्रैवल करते वक्त कहीं पर भी इस मुद्रा को आप आसानी से कर सकते हैं। इससे होता क्या है, जैसे ही आप ये मुद्रा इस तरह से लगाते हैं तो आपकी जो वात वृत्ति का इम्बैलेंस है वो बैलेंस होना शुरू होता है और आपका कॉन्स्टिपेशन, स्पेसिफिकली जो आपकी कॉन्स्टिपेशन आपके स्टमक आंत या बड़ी आंत में होती है, वो ढंग से रिलीज होना शुरू होती है और कुछ ही दिनों में आपको आराम आने लगता है। अब जो वात का मेन एरिया जहां पर वात क्रिएट होती है, जहां पर वात बनती है, वो है आपकी बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। जब लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी वात क्रिएट होती है, पर उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसका पूरी तरह से यूज ढंग से नहीं होता है, तो वो वात आपके इंटेस्टाइन से निकलकर आपके स्टमक में इरेगुलरिटीज या इम्बैलेंसेस क्रिएट करती है। जब आपकी वात ढंग से काम नहीं करती है, तब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी परेशानियां होती हैं शुरू। पर उसका सबसे मेन कारण आपका कब्ज रहता है, जहां पर आपकी वात बहुत भयंकर तरीके से काम करती है, जहां पर आपका पूरी की पूरी तरह से प्राणिक शक्ति रुक जाती है। उसी के साथ आपको याद रखना है कि आप खट्टी चीजें, यानी खट्टे कोई भी पदार्थ नहीं खाएंगे, साथ में मैदा या गेहूं या कोई भी डीप फ्राइड या तली हुई चीजों से बिल्कुल पूरी तरह से आपको परहेज करना होगा। प्लस शक्कर, यानी कोई भी शुगर, चीनी वाले पदार्थ पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आप खुद देखेंगे बहुत जल्दी आपकी ये तकलीफ आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे बिल्कुल अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। बटन है यहाँ पे, प्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।